हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ विंटर स्पेशल दो टाइप्स की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बन भी जाएगा बहुत जल्द भी। इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी जानने के लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड एंड तक फॉलो कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करके अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे धनिया की चटनी, और इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेश धनिया पत्ता, 5 से 6 काली मिर्च, मिर्ची और 8 से 10 लहसुन के टुकड़े। आपको कितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके सिलपट्टे पे पीसूंगी। अगर आपके पास सिलपट्टा ना हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पीस लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद तैयार हो जाएगा धनिया पत्ते का फ्रेश चटनी। नेक्स्ट हम बनाएंगे हरी मिर्च और लहसुन का एक टेस्टी चटनी, और इसके लिए एक तवे पे हमें लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल और उसमें हमें ऐड करना है 12 से 13 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमें बीच में से ऐसे स्लिट कर लेना है। हरी मिर्च को डाल लेने के बाद हमें इसमें ऐड करना है अराउंड 1/2 कप लहसुन के टुकड़े। इसको तेल के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा साबुत जीरा और 1 चुटकी हींग। इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इन सारी चीज़ों को ऐसे प्रेस करके स्मैश कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको कुकिंग या फिर किचन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट या फिर एप्लायंस चाहिए तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आप अमेज़ोन से प्रोडक्ट देख सकते हो और अगर पसंद आए तो परचेज भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से स्मैश कर लिया है, तो अब हम इसको एक कटोरी में ले लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने से मिर्ची का तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा और चटनी में एक अलग सा टेस्ट भी आएगा। सो आई होप दोस्तों कि आप सबको रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।